हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी सी होंगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए ये वाली केबल। देखिए, जैसे हम चोटे बनाते हैं ये बिल्कुल वैसे बनती है, बहुत सुंदर लगती है। आप इसको लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में और जेंट्स के स्वेटर्स में, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो। आपकी क्रिएटिविटी है, आप किस हिसाब से जो है वो केबल को अपने स्वेटर में एडजस्ट करोगे। तो आप इसको बटन पट्टी के साथ बनाइए, और अगर जेंट्स के बना रहे हैं तो बीच में एक केबल बना के, बाजुओं में एक एक केबल, किसी भी तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये वाली डिज़ाइन, ये वाली केबल जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये केबल जो ये साइड के फंदे हैं ना, ये जस्ट इसको एक बेस देने के लिए मैंने लिए हुए हैं। अदरवाइज आपकी ये जो केबल है ये सिर्फ जो है ये 12 स्टिचेस की है। इसमें 12 फंदे डलेंगे। आप चाहे तो इसको बड़ी छोटी कर सकते हो, जैसे मैंने ये 12 फंदों की बनाई है तो आप इसको 16 फंदों की भी बना सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इन तीन, जैसे हम चोटी के लिए तीन जो है हम लेयर लेते हैं, उसी हिसाब से आपने इसमें फंदे लेने। तो मैंने ये चार चार लिए हैं, आप चाहें तो पांच पांच करके इस तरह से 15 की बना लीजिए। किसी भी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये सिर्फ हमारी 8 रोज रिपीट पैटर्न है, तो हम इसको 8 रोज को हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारी ये बहुत ही सुंदर चोटी जैसी केबल जो है वो बनती जाएगी। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो इसकी ये फर्स्ट रो है, इसमें मैंने टोटल फंदे लिए हैं 12 फंदे ये हैं, और 4 फंदे इस साइड हैं एस स्टिच को मिला के, और 4 इस साइड हैं। तो ये हमारे हो गए टोटल 20 फंदे। तो ये मैंने 20 फंदे लिए हैं। तो फर्स्ट रो जो है वो हमारी होगी पूरी सीधी, हम पूरे जितने भी ये सारी फंदे हैं इसको हम सीधा सीधा बना लेंगे। देखिए, मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड रो हमारी जो है, सेकंड रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने सीधा ऐसे उल्टा उतारा और अगले 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये जो बेस देने के लिए हमने फंदे रखे हैं दोनों साइड में, ये वाले 3 फंदे हमने सीधे बना लिए, और बीच के ये जो हमारे 12 फंदे हैं हम इनको सीधा, सॉरी, उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यानी जो ये साइड में फंदे रखे हैं ना, आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी रख सकते हो इसकी जगह, जब भी जैसे भी आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कितने फंदे जो हैं वो केबल के आसपास रखने हैं। इससे केबल को अच्छा बेस मिलेगा और ये उभर के आएगी। तो देखिए, ये मैंने 12 फंदे जो हैं वो उल्टे बना लिए, और अब हमारे ये 3 फंदे सीधे, और एस स्टिच तो हमारा उल्टा क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो ये हमारी सेकंड रो होगी। अब देखिए, थर्ड रो में हमने क्या करना है, थर्ड रो में हम इसको ट्विस्ट करेंगे। देखिए, एस स्टिच को हमने सीधा उतार लेने के बाद अगले भी 3 फंदे सीधे बना लिए, 1 2 3, जो ये हमारे बेस वाले हैं। अगले ये जो 12 फंदे हैं ना, उसमें से पहले 4 फंदों को हम सीधा बना लेंगे, 1 2 3 4। और अब जो हमारे अगले 8 फंदे बचे ना, हमने उसको उनको ट्विस्ट करना है। तो देखिए, उसके लिए हमने क्या करना है, अगर तो आपको आप 2 ही नीडल से कर सकते हैं तो तब भी हो जाएगा, अगर आप चाहो तो थर्ड नीडल भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको इस बारी में बिना नीडल के बता देती हूँ, अगर मैंने नहीं ली है तो कैसे करूँगी। इन 8 फंदों में से ये वाले जो 4 फंदे, इनको मैं पहले बनाऊँगी, तो इन चारों को रहने दें, 1 2 3 और ये 4, इनको मैंने इस नीडल पे लिया। देखिए ध्यान से, आप चाहें तो दूसरी नीडल यूज़ कर सकते हैं, और इन वाले 4 फंदों को अब वापस इस नीडल में लिया, और फिर ये वाले फंदे भी मैंने इस नीडल में डाल दिए, और अब इन 8 फंदों को मैं सीधा सीधा बना लूँगी, 1 2 3 4 5 6
सात और ये आठ, देखिए इस तरह से। और अगले चारों फंदे एज स्टिच को मिला के इनको मैं सीधा सीधा बना लूँगी। तो ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो पहले तीन फंदे एज स्टिच के बाद पहले तीन फंदे उल्ट सीधे, दो तीन, और फिर 12 फंदे उल्टे बना लूँगी। ये 12 फंदे उल्टे, फिर तीन फंदे सीधे और एज स्टिच उल्टा बना लूँगी, तो हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो जाएगी। अब आ गया हम इसकी फिफ्थ रो में। तो देखिए फिफ्थ रो पूरी सीधी बनेगी, ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ रो हमने पूरी सीधी बनानी है, और जो हमारी सिक्स्थ रो होगी उसको सेम वैसे ही, ये पहले तीन फंदे जो हैं वो सीधे, फिर बीच के 12 जो है उल्टे, फिर तीन जो है वो सीधे, और फिर ये एज स्टिच उल्टा। तो इस तरह से हम ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ रो जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ रो पूरी जो है सीधी बनानी है, सिक्स्थ जैसी हम सारी रॉन्ग साइड बना रहे हैं उस तरह से बनानी है। तो मैं ये दोनों रोज बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिफ्थ एंड सिक्स्थ रोज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हम आ गए हमारी सेवन्थ रो में। देखिए सेवन्थ रो में एज स्टिच सीधा उतार के अगले तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब हमने पिछली बारी यहाँ पे ट्विस्ट किया था, अब हमने यहाँ ट्विस्ट करना है। तो देखिए अब मैं बता देती हूँ, अगर आपने तीसरी नीडल भी यूज़ करनी है तो उसके साथ हमने किस तरह से करना है। देखिए पहले ये चार फंदे सीधे ऐसे उतार लेंगे, एक दो तीन चार। अब हम अगले चार फंदों को हम जो है वो सीधा सीधा बना लेंगे, एक दो तीन और ये चार। अब हम इन चारों फंदों को चाहे तो इस नीडल पे ले लें, और अगर आप चाहो तो इन्हीं को इस तरह से इसी नीडल से, हमने क्योंकि डबल पॉइंटेड नीडल लेंगे हम, और अब इन हम चार फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे, दो तीन और ये चार, ठीक है। और अगले सारे फंदे सीधे, चार ये केबल के और तीन हमारे इसके जो बेस के हैं, और एस स्टिच तो हम सीधा ही बनाएंगे। तो हमारी ये सेवन्थ रो कंप्लीट हो गई है। एट्थ रो हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हम हमारी रॉन्ग साइड्स बना रहे हैं, जो स्टार्टिंग का एस स्टिच के बाद तीन फंदे सीधे, फिर 12 फंदे उल्टे, फिर तीन फंदे सीधे और एस स्टिच उल्टा। तो इसी तरह से हम ये एट्थ रो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये एट रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। आपने यही एट रोज़ जो है वो रिपीट करते जाना है, और इसी तरह से हमारा देखिए ये डिज़ाइन जो है वो बनते जाएगा। देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है ये केबल, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आप चाहें तो इसकी साइड में जो ये मैंने तीन तीन फंदे लगाए हैं, आप इसकी जगह चार पाँच जितने भी यूज़ कर सकते हो। और आप चाहो तो ये उल्टे उल्टे वाले की, मतलब राउंड साइड से सीधे और सीधी साइड से उल्टे, जैसे मैंने आपको लास्ट केबल में बताया था, तो उस तरह से भी इन फंदों को यहाँ पे बना सकते हैं, तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।